तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं है कि तुमने आली के साथ क्या किया? वो मेरा और आली भाई का मामला है। तो ये मेरा और परीसा का मामला है। परीसा, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। अब मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब उसने आरिश का नाम लिया तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। गॉड, रवि तुम समझ क्यों नहीं रहे? वो उस वक्त कॉन्शियस नहीं थी, अनकॉन्शियस थी। हाँ ली, होश में तो इंसान हाथ छुपा सकता है, बोल सकता है, मगर हाली मैं तुमसे कहा था, परीसा की जिंदगी मेरी हकीकत एक ख्वाब की सी है, और जब वो जागेगी तो मैं अधूरे ख्वाब की तरह बुला दिया जाऊंगा। उसकी हकीकत आरिश है। देखो आज वो वक्त आ गया। नहीं रवि, प्लीज खुद को संभालो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं आली, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हेलो। हाँ आरिश भाई, आपको चलते चल पाकिस्तान वापस आना होगा, यहाँ सिचुएशन बहुत खराब है। लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। परीसा हॉस्पिटल में। क्या, क्यों, क्या हुआ? ये तो मैं भी नहीं जानता, हाँ लेकिन वो मुसलसल बेहोश है। भाई मुझे आपकी बहुत जरूरत है, आप प्लीज जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ जाए। दोपहर, शाम, रात, जब की भी फ्लाइट मिलती है, प्लीज आपको पाकिस्तान आना होगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? जी भाई, यार मुझे लगता है मुझे कुछ दिन और तेरी तरफ ठहरना पड़ेगा। ये तेरा ही घर है भाई, जब तक जी चाहे रहे। परेशान क्यों होता है, रिलैक्स हो जा, टेंशन मत ले। थैंक यू यार, पता नहीं परीसा को क्या हो गया। प्लीज उठो मत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। भाई मुझे क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए तुम यहाँ। हाँ मैं बेहोश हो गई थी,
आरिश आया था। प्लीज उठने की कोशिश मत करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। भाई मुझे घर जाना है। अभी नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स ने तुम्हें अभी जाने की परमिशन नहीं। मैं ठीक हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? प्लीज भाई को बताएं कि मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। अभी आपको कुछ दिन आराम की जरूरत है, फिर घर चले जाना। डॉक्टर मैं ठीक हूँ। चले ठीक है। अब ये मुझे ये बताएं कि हॉस्पिटल कब से ज्वाइन कर रही हैं आप? कर लूंगी। नाइट ड्यूटीज करनी पड़ेंगी आपको, कर लेंगी आप? जी डॉक्टर, पहले भी करती थी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आज रात आप आराम कर लें, सुबह होते ही मैं आपको डिस्चार्ज कर दूंगा। और हाँ, हॉस्पिटल ज्वाइन करने की इतनी जल्दी ना करें, कुछ दिन आराम कर लें फिर ज्वाइन कर लेना। जी ओके, अल्लाह। यूं सोच सोच कर खुद को मजीद परेशान मत करो बुढ़िया। डॉक्टर्स ने कहा है कि कल वो तुम्हें छुट्टी दे देंगे। जितना अच्छा चल रहा था, अभी खुशियों ने दस्तक दी ही थी कि इस मनुष्य का साया पड़ गया। मेरा दिल कर रहा था कि खून पी जाऊं उसका, रुका हुआ हूं तो सिर्फ आली भाई की वजह से। आली भाई ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, और आप गुस्से में कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर दीजिए, कंट्रोल कीजिए उसे। वैसे भी आली भाई है ना, वो सब ठीक कर लेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे परीसा की कंडीशन समझ भी आ रही है और नहीं भी आ रही। एक बात अच्छी तरह से समझ लें आली, परीसा की मेमोरी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। आप उसको अपनी जिंदगी का कोई ऐसा लामा नहीं जो उसे याद ना हो। डॉक्टर साहब, क्या जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ, क्या वो सब याद है उसे? सब उसकी मेमोरी में सेफ है। रबी भी? वो रबी को नहीं बोल। ऐसा नहीं होता है आली कि जब यादाश्त वापस आए उसकी जिंदगी का कुछ ऐसा उसको याद रहे और कुछ ना रहे। ये सिर्फ इंडियन ड्रामे में होता है कि जब चाहा जितनी बार चाहा यादाश्त वापस आ जाए। ये जिंदगी की एक हकीकत है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। सिर्फ उसको वो सब याद है जो अभी उसके साथ गुजरा, बल्कि उसे सब कुछ भी याद है जो उसके माजी में हुआ। सब कुछ Thank you.
भाई साहब, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे एक सेकंड भी तुम्हारा साथ बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। अब मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं? इतना बेबस तो मैंने अपने आप को पहले कभी महसूस नहीं किया। किस तरह तसल्ली दूं मैं अपने आप को? क्या जवाब दूंगा मीर को? मैं वक्त से शिकायत करूं या तुमसे? मैं क्या करूं परी सर, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। आओ बेटा, आराम से बैठो। आप सब लोग इतना परेशान क्यों हैं? मैं ठीक हूं। और आंटी, आप प्लीज सुकून से बैठे, मैं ठीक हूँ, परेशान नहीं हूँ। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम आराम से बैठो, फिक्र नहीं करो। भाभी मुझे बहुत भूख लगती है। मैं तुम्हारे लिए सूप बना रही थी, बस 5 मिनट, अभी लेकर आती हूँ। नहीं बेटा तुम बैठो, मैं देख के आती। गुड़िया पहले तुम कुछ खा लो, फिर दवा खाकर थोड़ी देर सो जाना। ओ याद आया, दवाइयां तो मैं गाड़ी में भूला है, मैं लेकर आता हूँ। रबी और मीन ही आए। उसे शायद अभी पता नहीं है कि तुम घर आ गई हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि रबी को ना पता हो? वो तो हॉस्पिटल भी नहीं आया था। मैं ऐसा करती हूँ, मैं रबी को फोन कर देती हूँ, वो अभी मीर को लेकर आ जाएगा। छोड़ दें भाभी, खुद ही आ जाएगा। जी आंटी, मैं मीर को आपके पास अमेरिका भेजना चाहता हूं। मैं सब जानता हूं आंटी, इंशाल्लाह मैं उसके स्कूल का एडमिशन, डॉक्यूमेंटेशन और कंसल्टेंट से बात करके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास भेज दूंगा मैं, ठीक है? होपफुली नेक्स्ट मंथ तक सब कंप्लीट हो जाएगा। जरूर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। बाबा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इधर आ बाबा के पास, आ बैठो। अच्छा आपको पता है कि आपके बाबा आपको अमेरिका क्यों भेजना चाहते हैं? पता है। अच्छा बताओ क्यों? मामा की डेथ के बाद जब बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी, तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती दादी के पास छोड़ दिया था।
और अब आप भी जब मामा शादी कर रहे हैं तो मुझे दादी के पास छोड़ रहे हैं। आपने गलत सोचा अम्मी, आप जिंदगी हो मेरी, मैं आपको अपने आप से अलग नहीं कर सकता हूँ। बस मुझे आपकी फ्यूचर की फिक्र है, इसलिए आपको अमेरिका भेजना चाहता हूँ ताकि आप वहां दिल लगा के पढ़ो, बड़े आदमी बनो, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो आप मेरी खिदमत करो। बाबा वो सब कुछ मैं यहाँ रह के भी कर सकता हूँ, I promise, मैं बहुत पढ़ूंगा, मगर प्लीज मुझे खुद से अलग मत करें, प्लीज बाबा। मीर बस मैंने आपसे कहा ना, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे आपके फ्यूचर की फिक्र है, अब आप बड़े हो गए हो, अब जल्दी से जाओ, आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगाता हूं, प्लीज जाओ। मुझे माफ कर दीजिएगा आपा, जो हालात बन गए हैं मीर के लिए यही जरूरी है कि मैं उसे कुछ अरसे के लिए यहां से दूर भेज दूं। मुझे माफ कर दीजिए। भाई अब मतली हो रही है मुझे। चलो चलो जल्दी से इसको उठाओ। हालत देखिए तुमने अपनी, सूखी पतली सी हो गई हो तुम। भाई प्लीज बस। अच्छा बाबा मैं हार गया, बस ये पड़ा है, जब दिल करेगा खा लेना, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम। भाई बैठे ना। गुड़िया जल्दी से बताओ क्या बात है, मुझे और बहुत से काम है, मुझे तुम्हारी शादी की तैयारियां करनी है। भाई आरिश कहाँ है? क्यों? क्योंकि मुझे उससे मिलना है। देखो गुड़िया इस वक्त तुम्हें आरिश को भुलाकर रवि की फिक्र करनी चाहिए। भाई प्लीज। गुड़िया तुम आरिश को अपने दिल से निकालो, ऐसे ही जैसे उस शख्स ने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, उसे भूल कर रवि के साथ आगे बढ़ने का सोचो, भूल जाओ उस फिजूल आदमी को। ये नामुमकिन है भाई। मैंने तुम्हें कितना कहा था, कितना समझाया था तुम्हें कि डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके उसे भिजवा दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अगर मैंने उसको डिवोर्स देनी होती तो आज से 4 साल पहले दे चुका होता। क्या आपने देखा नहीं उसके बगैर मैंने ये वक्त कैसे गुजारा? देखा था मैंने, लेकिन इन 4 साल में दुनिया बहुत बदल चुकी है आरिफ। तुमने अपनी अना के चक्कर में अपनी और परीसा की जिंदगी के 4 साल बर्बाद किए हैं। अना ने, ये तो मेरी मोहब्बत का इम्तिहान था। किस मोहब्बत की बात कर रहे हो तुम आरिश? तुम्हें अब परीसा को आजाद करके अपनी आइंदा जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए मेरे भाई। परीसा ही तो मेरी जिंदगी है। हाँ वही परीसा जिंदगी है ना, जिसको तुम छोड़कर चले गए थे और पलटकर देखा तक नहीं तुमने। पलटकर तो उससे देखा जाता है जिसे आप पीछे छोड़ते। परीसा तो हमेशा से मेरे साथ थी। ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो मेरे भाई। परीसा मेरा ख्वाब नहीं, मेरी जिंदगी की सच्चाई। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि आप परीसा की तरफ चल रहे हैं मेरे साथ या नहीं? नहीं मैं नहीं चलूंगा। ठीक है। आरिश, आरिश कमरे में चलो परीसा, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं भाभी
मुझे करने दे इससे सवाल। क्यों बर्बाद किया मेरी जिंदगी तुमने? क्यों मुझे धोखा दिया? कौन सा रिश्ता? वो जो 4 साल पहले वो तोड़कर चला गया था, जिसने पीछे मुड़कर नहीं देखा तुम्हें? अगर तुम ये समझ रही हो कि वो तुम्हारी मोहब्बत के लिए और तुम्हें पाने के लिए वापस आया, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है।